उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार सीएम शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर पहुंचे, जहां पर कई विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही हितग्राहियों को पट्टे भी वितरित किए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ चुनाव में खरीदने का आरोप लगा रहे हैं, पृथ्वीपुर और बुंदेलखंड की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। अबे कमलनाथ पता नहीं क्या बक रहे थे, कह रहे थे खरीद ले। अरे कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि पृथ्वीपुर और बुंदेलखंड की जनता की बोली लगा सके। कमलनाथ तुम आए कहां से हो, तो मध्य प्रदेश को नहीं जानते। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा है। कमलनाथ के लूट वाले बयान का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि कमलनाथ ने जनता और जनादेश का अपमान किया है, उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लोकतंत्र का अपमान किया है, उन्होंने लोकतंत्र का मजाक बनाया है। साथ ही सीएम शिवराज ने कमलनाथ के बयान की घोर निंदा की है। जोबट और पृथ्वीपुर और खंडवा की कहानी कुछ और है, उनके पैसे, प्रशासन और पुलिस का सामना करना पड़ा और जो हरकतें हुई वहां, मैं जानता हूं कि ये चुनाव जीता या लूटा। लूटा है ये चुनाव। हमारे रेगांव में 313 बूथ में से हम लगभग 200 बूथ जीते। मध्य प्रदेश की जनता को अपमानित कर रहे हैं। पृथ्वीपुर और जोबट के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव जीता नहीं, चुनाव लूटा है। ये चुनाव लूटना क्या होता है कमलनाथ जी? ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं आप। क्या पृथ्वीपुर की और जोबट की जनता लूट करती है? आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप जनता को अपमानित कर रहे हैं, लुटेरी कह रहे हैं। कमलनाथ जी को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं इसकी घोर